बेंगलुरु से स्टेट लेवल किंग बॉक्सिंग टूर्नामेंट से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। किंग बॉक्सिंग टूर्नामेंट के दौरान एक मुक्केबाज की मौत हो गई। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया। मुक्केबाज का नाम निखिल सुरेश बताया जा रहा है। बॉक्सर 2 दिनों तक कोमा में रहा, जहाँ गुरुवार को उनकी मौत हो गई। वीडियो में दोनों मुक्केबाज एक दूसरे पर प्रहार करते दिख रहे हैं। एक पंच के बाद मुक्केबाज निखिल गिर जाता है। निखिल के पिता और कोच टूर्नामेंट आयोजकों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है।